नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ पाक विधि में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ करेला का बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया। अगर आपके घर में कोई करेला खाना पसंद नहीं करता है तो वो भी मांग करके खाएंगे, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 करेला। करेला को बढ़िया से धो लेंगे, धो करके इसको पोंछ लेंगे। तो देखिए, हमने करेला को धो करके रख लिए हैं। अब एक करेला लेंगे, तो ये करेला खिच्चा है तो इसको हम नहीं छीलेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ा में कट करेंगे। इसको इस तरह से गोल गोल काटेंगे। आप इसको मोटा या पतला आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके दोनों साइड को इस तरह से काट करके हटा देंगे और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट करेंगे। तो अब मेरे पास ये 2 करेला है जिसका छिलका बहुत ज़्यादा मोटा है। इसको क्या करेंगे तो चाकू से इस तरह से छील लेंगे। आप चाहे तो सारे करेले को भी छील सकते हैं। तो इसको बढ़िया से इस तरह से छील लेंगे। अब इसके दोनों साइड को इस तरह से काट कर हटा देंगे और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। तो सभी करेला को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब करेले के मोटे वाले बीज को निकाल लेंगे। आप चाहे तो सभी बीज निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल रिंग की तरह बन रहा है। तो सभी को इसी तरह से निकाल कर रख लेंगे। तो हमने इसका बीज निकाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो 1 चम्मच नमक भर के डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इस तरह से हल्दी और नमक डालने से करेला कम कड़वी लगती है। तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। तो देखिए, करेला से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको इस तरह से निचोड़ेंगे। तो इसको बढ़िया से इस तरह से निचोड़ करके सभी को रख लेंगे। तो हमने करेला निचोड़ लिए हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन में पानी लेंगे और इसमें करेला डाल देंगे। डालने के बाद इसको बढ़िया से इस तरह से धोएंगे। करेला को बढ़िया से निचोड़ेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इसको बढ़िया से इस तरह से धो करके रख लेंगे। तो चलिए अब इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को पहले बढ़िया से गर्म होने देंगे। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गया है, अब इसमें करेला डाल देंगे। तो तेल में जितना करेला एक बार में आ जाए उतना ही डालिएगा। डालने के 2 मिनट बाद इसको एक साइड से दूसरे साइड पलटाएंगे। इसे उलटाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में इसको इस तरह से पलटाते रहेंगे। तो ये बढ़िया से फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। इसे निकाल कर थोड़ा देर कढ़ाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो सारा एक्स्ट्रा तेल नीचे आ जाएगी और बचा हुआ करेला को तेल में डाल देंगे और इसको बढ़िया से फैला देंगे। तो इसका तेल बढ़िया से निकल गया है, अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब बाकी के सारे करेले को इसी तरह से फ्राई करेंगे। इसे उलटाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो ये भी फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए, हमने करेला को फ्राई कर लिए हैं। तो अब बचा हुआ तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च को इस तरह से काट करके। अब इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक कट करके। डालने के बाद इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को 3 मिनट तक पकाएंगे। जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। एक कटोरी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब प्याज में ये बीज डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब मसाला में थोड़ा सा पानी डालकर इसको बढ़िया से घोल लेंगे। इसको बढ़िया से 1-2 बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तैयार किया हुआ घोल डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए 4 मिनट तक भुनेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें फ्राई किया हुआ करेला डाल देंगे। डालकर इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि करेला में मसाला अच्छे से मिक्स हो। अब इसको धीमी आँच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर आप एक बार इस तरह से करेला का भुजिया बना करके खाएंगे ना, तो एक बार नहीं, इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये बढ़िया से पक गया है, अब इसको निकाल लेंगे। इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। आप इसको रोटी, चावल, पूरी, पराठे के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
तो दोस्तों आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।